आज सेक्टर 13-17 महिला थाना में रॉकी गहलोत वाल्मीकि समाज के लोगों ने मिलकर डीटीबी ललित कुमार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। उन्होंने महिला थाना डीएसपी से मांग की कि डीटीबी ललित कुमार को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने बताया कि उन्हें व उनके परिवार को डीटीबी ललित कुमार से जान का खतरा है। जब इस बारे में महिला थाना प्रभारी डीएसपी से मीडिया ने बात की तो उन्होंने इस बात करने से साफ साफ इनकार कर दिया। बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो मुद्दा ये था, मैं पिछले 5 साल से डीटीपी ऑफिस में काम कर रहा था। 5 साल में 5 DTP चेंज हुए और 5 बार में हटाया गया। इसका मतलब ये नहीं कि पहले भी DTP आई हमारा उनसे बढ़िया व्यवहार रहा। जो DTP आया सबसे कम कार्यकाल मैंने इसके पास काम किया। और जब से ये आया था ये मुझे कपड़ों को लेकर और अपना प्राइवेट गाड़ी धुआना और भी बड़े रफ लैंग्वेज यूज़ करता था मेरे प्रति। जो मैंने कुछ एविडेंस इकट्ठे करे और यहाँ DSP को मैडम को दिए तो जांच करी गई। आज 4 महीने बाद उस पर मुकदमा दर्ज हुआ और मैं DSP मैडम का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल पक्षपात ना करते हुए कि छोटा बड़ा ना देखते हुए उसके प्रति मुकदमा दर्ज हुआ। और आज मुझे DSP मैडम ने बुलाया था यहाँ पर और हम सभी भाई यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और उस गिरफ्तारी की मांग की है और हम चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। आज हम DSP मैडम से मिले थे। एक मुकदमा ललित कुमार जो कि पानीपत में यहाँ DTP रहे हैं, उन्होंने अपने ही कर्मचारी रॉकी गहलोत के साथ एक जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए और बहुत ही आपत्तिजनक व्यवहार किया और उसकी इंसल्ट की, उसको नौकरी से हटवाया। तो उसके खिलाफ़ काफ़ी हमारे पास रॉकी गहलोत के पास सबूत थे जिसकी रूह में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस के पास पर्याप्त सबूत हैं उसको गिरफ्तार करने के। आज हम सर्व समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के भी युवा इसमें काफ़ी संख्या में शामिल हैं, मैडम DSP से मिले हैं और उनसे ये निवेदन किया है कि इसको गिरफ्तार करें। मैडम ने कहा है कि पर्याप्त सबूत होंगे तो हम जरूर करेंगे, लेकिन क्योंकि पर्याप्त सबूत हैं तो इसलिए हमने प्रार्थना की है। और ललित कुमार का कोई प्रताड़ित अकेला ये वाल्मीकि समाज का कर्मचारी रॉकी नहीं है, बल्कि पूरे शहर ने उसके ख़िलाफ़ मुख्यमंत्री को शिकायत दी थी। पूरा शहर दुखी था ललित कुमार से, जिस प्रकार से उसने नजायज यहाँ पर तोड़फोड़ करी और जिस तरह से शहर में आतंक का माहौल बनाया, उससे पूरे शहर के लोगों ने मुख्यमंत्री से ये निवेदन किया था कि इसको यहाँ से बदलो और पूरे शहर की शिकायत पर वो बदला गया था। जिस प्रकार का उसका आचरण और व्यवहार है, जिस प्रकार से वो नादिर शाही चलाता है और वही व्यवहार उसने अपने कर्मचारी से किया था और यही कारण है कि उसके खिलाफ सबूत थे तभी मुकदमा दर्ज हुआ है और लगभग 4-6 महीने के बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। इसलिए हमारा तो निवेदन यही है प्रशासन से कि समाज सड़क पर आए उससे पहले ही पर्याप्त सबूत के आधार पर, हम ये नहीं कहते कि आप पक्षपात करें, मेरिट के आधार पर गिरफ्तार करें, सबूत उनके पास हैं सारे, यही हमारा कहना है। स्टेट सेक्रेटरी हरियाणा राष्ट्रीय दलित न्याय आंदोलन 1 अगस्त से पीड़ित रॉकी थाने के DSP पूजा डाबला के ऑफिस में चक्कर काट रहा है न्याय मांगने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, संसद का ऑर्डर, हाई कोर्ट का ऑर्डर DSP मैडम को हमने दिया कि ये ऑर्डर है, इसमें आपको इमीडिएट FIR दर्ज करनी चाहिए। 5 महीने से पीड़ित को DSP पूजा डाबला धक्के खिलाती रही, टॉर्चर करती रही, 5-5 घंटे उनको बाहर खड़ा रखा और हार कर जब 22 तारीख को हम SP पानीपत से मिले, जिसमें हमने DSP पूजा डाबला के खिलाफ और SHO सेक्टर 13-17 के खिलाफ सेक्शन 4 SST एक्ट एंड 166A 217-18 IPC के तहत इन दोनों के खिलाफ FIR दर्ज करने की डिमांड की। हमारी डिमांड ज्ञापन देने के बाद SP साहब ने तुरंत DSP मैडम को आदेश किया कि तुरंत इसमें FIR दर्ज होनी चाहिए। उसके बाद ये FIR दर्ज हुई 5 महीने बाद, जबकि कानून ये कहता है कि तुरंत इमीडिएट FIR दर्ज होनी चाहिए। तो पीड़ित को DSP मैडम ने इतने टॉर्चर क्यों किया, क्यों एक आरोपी को सपोर्ट किया, जो DTP ऑफिसर है ललित कुमार उसको इतना सपोर्ट क्यों किया, उन्होंने FIR दर्ज क्यों नहीं। इसलिए हमने डिमांड की थी कि इस DSP के खिलाफ और SHO के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। 5 महीने तक अगर वो FIR दर्ज करने में लगा देती है, कानून का उल्लंघन करती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। आज हम DSP मैडम से इसलिए मिलने आए थे कि 5 महीने आपने FIR दर्ज करने में लगा दिए,
तो गिरफ्तारी कब होगी, कितने दिन में गिरफ्तारी होगी, जबकि तुरंत प्रावधान है SC ST एक्ट में। हम डिमांड करते हैं पुलिस पानीपत पुलिस प्रशासन से कि तुरंत आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और जो भी दोषी पुलिसकर्मी है चाहे वो DSP हो चाहे SHO उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। अभी FIR किस किस के ऊपर है? अभी इसमें आरोपी सिर्फ एक ही है, ललित कुमार DTPO, जो अब यहाँ से ट्रांसफर होंगे, शायद वो अम्बाला में है, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। अपना नाम? मेरा नाम राजेश कुमार। पानीपत वासियों के लिए खुशखबरी, क्रोसेप्स फिटनेस जिम आपके लिए लेकर आया है धमाका ऑफर। 15,000 में 15 महीने फिटनेस फ्रीक बनने का मौका, तो देर मत कीजिए, आज ही आइए और इस ऑफर का फायदा उठाइए।